तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले को क्वेश्चन को देखो कि इसमें क्या करने कर रहे हैं कि अर्थ हैज मास 9 times, ये अर्थ है, तो अर्थ का मास ऑफ अर्थ इज 9 times मास ऑफ ए प्लेनेट, ठीक है ना। ये एक प्लेनेट है, इसको मैं इमेजिनरी प्लेनेट बोल देता हूँ, और ये अपनी अर्थ है, ठीक है। मास 9 times है एंड रेडियस 2 है, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ इज 2 times रेडियस ऑफ प्लेनेट, ठीक है। मास 9 times एंड 2 times ऑफ प्लेनेट पी, ठीक है, ये प्लेनेट पी है। देन रूट इज दी विद मिनिमम एस्केप वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय रॉकेट टू पुल आवर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ, मतलब यहाँ से मैं अगर रॉकेट लॉन्च करता हूँ तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 3 रूट एक्स है, क्लियर है। तो वी द एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ, तो एक्स जो अननोन आ रहा है उसकी वैल्यू निकालना है। तो देखो, अगर मैं फॉर प्लेनेट लिखता हूँ, फॉर प्लेनेट, तो किसी भी प्लेनेट की जो एस्केप वेलोसिटी होती है, एस्केप वेलोसिटी वो होती है रूट जी एम मास ऑफ द प्लेनेट डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द प्लेनेट, ये सब कुछ अंडर रूट। आई होप कि ये फार्मूला सबको याद होगा, रटे होंगे, तो अगर ये फार्मूला याद है, रटे हो, तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ जो प्लेनेट है 2 times जी मास ऑफ द प्लेनेट, 9 times मास ऑफ द मास ऑफ द प्लेनेट अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो मास ऑफ द प्लेनेट रखोगे तो मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 9 और डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 2, और ये सब कुछ अंडर रूट। तो अगर यहाँ पर तुम देखोगे बेसिकली, तो ये ऊपर में ये 4/3 आ जाएगा, 4/3, और जी मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ ये पूरा का पूरा ये सब अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ ये 9 है, 9 था तो 9 है, तो यहाँ से तुम देखोगे तो वो ये बेसिकली तुम देखोगे तो 1/3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 1/3 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से 2 रूट में साइड में ले लो, और यहाँ से रूट जी मास ऑफ द अर्थ 2 times मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ, तो ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा फैक्टर है वो तो इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ अर्थ बना, इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ रूट जी मास ऑफ द अर्थ रेडियस ऑफ द अर्थ अंडर रूट ये वाला होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट 2/3 और यहाँ से एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, दिस इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट। अब यहाँ से कंपेयर करोगे तो पता चलेगा, हाँ अगर यहाँ से कंपेयर करोगे किसका किसका भाई कंपेयर करोगे, तो इसका जाके कंपेयर करोगे, ये जो डेटा दिया हुआ था और इसे कंपेयर करोगे तो पता चलेगा एक्स की जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ एक्स की वैल्यू 2 होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।